Let's start. See, the last part of our chapter is schedule 3. We have already done this in chapter number 2 while we were doing levy and collection of GST. मतलब कौन से टाइप ऑफ ऐसे गुड्स हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगती है, जिन्हें कहते हैं नेगेटिव लिस्ट. नेगेटिव लिस्ट वो है जिसमें द एक्टिविटीज आर नीदर टू बी काउंटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. नाउ दीस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, आई होप यू ऑल रिमेम्बर, वी हैव डन ऑल दीज पॉइंट्स इन द नेगेटिव लिस्ट. सो द नेगेटिव लिस्ट कवर्स all the activities which are falling under schedule number 3. So activities or transaction falling under schedule 3 to be treated neither as supply of goods nor as supply of services. Okay, so these are the activities. See, supply of services rendered by employee in the course of the employment, we have already covered. It is if it is in the course of the employment during the service. If any service is provided by employee to the employer, he is there to provide the service. No, तो इस पे अलग से जीएसटी क्यों चार्ज करेंगे? ये वो सर्विस है जिसके लिए एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, ठीक है? ये वो सर्विसेस है जो एम्प्लॉय लाइबल है देने के लिए, तो इस पे थोड़ी जीएसटी चार्ज होगी. ये एक अलग सर्विस नहीं दे रहा है, ये वही सर्विस दे रहा है जिसके लिए वो है. He is meant to give service. During the course of his employment, वो टाइम एक टाइम के बाद जब 11 से 8 की ड्यूटी है, 11 से 8 तक के लिए आपने अपने एम्प्लॉयर को कुछ भी सर्विस दी तो आप उसी के लिए तो हैं, सर्विसेज देने के लिए. लेकिन हाँ, 8 बजे के बाद आपने उनको कोई फैसिलिटी दी, आपने अपनी सर्विसेज दी उनको, तो वो एक अलग बात है, उसे सप्लाई ट्रीट किया जाएगा. लेकिन अभी उसको अलग से सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाएगा, ये नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं उसको. ओके, सेकेंड, सर्विसेज रेंडर्ड बाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल. देखो, कोर्ट आपको कोई सर्विसेज देता है ना, उसे सप्लाई नहीं मानते. ये एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड किया गया है इसको जीएसटी में से. इसको ना गुड्स का सप्लाई माना गया है ना सर्विसेज का, ठीक है? सर्विसेज रेंडर्ड बाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल. नेक्स्ट, यहाँ ट्रिब्यूनल भी कोर्ट ही होते हैं, जैसे हाई कोर्ट, लॉ, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे हम ट्रिब्यूनल के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट है आपका सर्विसेज रेंडर्ड बाय एनी पर्सन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एंड फंक्शंस इन द कैपेसिटी ऑफ द ऑफिस हेल्ड बाय हिम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब जैसे एमपीज एंड एमएलएज अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, उसे सर्विस नहीं माना जाएगा. इन द कैपेसिटी ऑफ द ऑफिस, मतलब उसकी जो ड्यूटीज रिगार्ड की गई है उसे, उसकी जो ड्यूटीज उसे दी गई है, ड्यूटीज जो रिगार्ड किए गए हैं उन्हीं ड्यूटीज को अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो वो उसे अलग सर्विसेज नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि उन्हीं सर्विसेज के लिए तो उसे बिठाया गया है वहां पे, ठीक है? नेक्स्ट, तो इसको अलग से कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है? सप्लाई बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया. ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था शॉर्ट में. अगर फॉरेन कोई मिशन है जो आप इन ऑफकोर्स इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन आउटसाइड इंडिया की कंट्री के साथ मिलकर, किसी और कंट्री के साथ मिलकर कोई डिप्लोमेटिक मिशन है जो इंडिया में किया जा रहा है, ठीक है? तो सर्विसेज तो आप फॉरेन से ले रहे हैं ना, तो इसे आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे. इसको स्पेसिफिकली नेगेटिव लिस्ट में डाला गया क्योंकि मिशन है ये जो इंडिया में किया जा रहा है, मिशन चल रहा है, इसको सर्विसेज ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा, सॉरी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं ट्रीट किया जाएगा. नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बर्यूअल, क्रीमेटोरियम और मॉर्ट्रियर, इसको ना, ये मैंने वो एग्जाम्पल्स दिए थे जिस जब किसी की डेथ हो जाती है तो आप उसको बरी करते हैं या फ्यूनरल करते हैं उनका, कोई भी फ्यूनरल सेरेमनी जैसे होती है उनकी, वो जो आप एक्टिविटीज करते हैं उनको बरी करने के लिए, या जिनके धर्म के हिसाब से जो चीजें फॉलो होती हैं, ठीक है? हिंदू और मुस्लिम धर्म में दो अलग अलग क्रीमेशन प्रोसेस होते हैं. अब हिंदू में क्रीमेशन प्रोसेस होता है, मुस्लिम्स में बरियल प्रोसेस होता है, तो उसमें जो भी सर्विसेज आपको मिलती है ना सामने वाले से, जो भी, तो वो उनको नेगेटिव लिस्ट में डाला गया, मतलब उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ लैंड. अभी देखो, अगर आप ना अभी अभी हमने पढ़ाई है शेड्यूल 2 में,
ये देखो ना यहाँ पे पैराग्राफ 5, ये देखो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो अभी अभी हमने पढ़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप रेंट पे डाल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है ना, है ना। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो उसने सेल वर्ड नहीं यूज किया है, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे सेल वर्ड यूज नहीं कर रहा है वो, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, लैंड के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी, मतलब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि क्लॉज बी में तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ना, कर रहा है यहाँ पे वो बात इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या बता रहा है, सेल ऑफ लैंड इज नॉट काउंटेड एज, क्या बोलते हैं, नीदर काउंटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर काउंटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं सेल ऑफ लैंड इज नॉट काउंटेड, क्योंकि आप तो बोलोगे लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो यहाँ पे पैराग्राफ 5 में बताया हुआ है, लेकिन सेल नहीं बोला है ना यहाँ पे, आप अगर देखोगे तो सेल ऑफ लैंड इज नॉट ट्रीटेड एज सर्विस, नीदर इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम, कोई भी एक्शनेबल क्लेम लेकिन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को छोड़, और कोई भी एक्शनेबल क्लेम है जिसके, एक्शनेबल क्लेम मतलब जिसके रिगार्ड्स में आपको कंसिडरेशन में जो कुछ मिल रहा है और आप उसके रिगार्ड्स में वो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन सबको तो माना जाएगा, लेकिन उनको नहीं माना जाएगा, लेकिन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग को माना जाएगा। मतलब इसमें क्या लिखा है, इनशॉर्ट एक्शनेबल क्लेम्स उसको नेगेटिव लिस्ट में डाला है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लेकिन अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग, लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग को इसमें से निकाला गया है, मतलब उसको तो आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर ऐसी चीजों को भी सप्लाई नहीं ट्रीट करेंगे तो जीएसटी भी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा तो देखो लॉटरी बैठे बैठे कमाया, बेटिंग और गैम्बलिंग तो कहीं कहीं पे, अभी तो अभी अभी आप देखो बेटिंग और गैम्बलिंग तो इलीगल एक्टिविटीज है ना, तो इलीगल, एक तो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ऊपर से उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं चार्ज करेंगे, तो दे विल बी अ फ्री बर्ड नो, वो तो और फ्रीली करेंगे वो चीजों को, ठीक है। बस ये जो हमने चीजें यहाँ पे पढ़ी ना, उन उनको और थोड़ा मतलब स्पेसिफाई किया, पढ़िए देखिए, और स्पेसिफाई किया है, मतलब पॉइंट वाइज थोड़ा और उनको क्लियर किया। ये मैंने बताया था ना, देखो सर्विसेज बाय एनी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जैसे हम ट्रिब्यूनल के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ से कोई आपको सर्विस मिल रही ना तो उसे सर्विस नहीं मानेंगे, ऐसा शेड्यूल नंबर 3 में लिखा हुआ है। देखो आपको मैंने बताया था ना यहाँ पे थर्ड पॉइंट में, देखिए थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ा था, इधर सर्विसेज रेंडर्ड बाय पर्सन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एंड फंक्शंस इन द कैपेसिटी ऑफ ऑफिस हेल्ड बाय हिम ड्यूरिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एमपीज एंड एमएलए का मैंने एग्जांपल दिया, ये वही तो लिखा हुआ है। देखो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, लेजिस्लेचर मतलब एमपीज एंड एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज, है ना। अगर आपको ये कोई भी अपने ड्यूटी के टाइमिंग्स में कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, वो तो उनके लिए ही आए हैं, सर्विसेज देने के लिए, पब्लिक की सर्विसेज को देने के लिए तो आए हैं, पब्लिक के लिए, तो अलग से इनको सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाएगा, सप्लाई ऑफ फ्यूनरल सर्विसेज, ऑफ फ्यूनरल ब्यूरल ब्यूरियल, ये सारे सर्विसेज जो मैंने आपको क्लियर किए ऊपर वो सेम लिखे हुए हैं, सेल ऑफ लैंड, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ओके ठीक है, क्लियर हुआ। और ये जो लास्ट स्लाइड है सप्लाई सेक्शन 7 की, आप देख लीजिए इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई जिसे कहते हैं सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लीज, ये हमने पढ़ा, फॉर कंसिडरेशन दिख रहा है आपको, नेक्स्ट इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये वेदर आर नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, ये दोनों एप्लीकेबल होता है, इम्पोर्ट में दोनों एप्लीकेबल होता है, ठीक है। शेड्यूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल नंबर 2 में क्या पढ़ा, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अच्छा इस गवर्नमेंट में, अब ये तो सिर्फ बताना है मुझे, ये लिस्ट नहीं है कोई, ये वो बता रहा है कि गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई बाय द नोटिफिकेशन, मे मतलब टाइम टू टाइम गवर्नमेंट फ्यूचर में निकाल सकती है नोटिफिकेशन, कि जो हमने पहले गुड्स बोले थे ना
उन्हें हम सर्विसेज ट्रीट करना जिनको हमने पहले सर्विस बुला नहीं, मतलब वो कभी भी चेंज कर सकते हैं, वो ट्रांजेक्शन के लिए लिस्ट बनाकर दे सकते हैं कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट होगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट होगा। ये फ्यूचर में गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। और सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल 3, और शेड्यूल 3 में क्या है, वो एक्टिविटीज जो नीदर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब वो सप्लाई नहीं है, इसीलिए तो बॉक्स में देखो लिखा हुआ है नॉट अ सप्लाई, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ ये पूरा चैप्टर? कुछ डाउट? वी आर डन विद द चैप्टर, एनी डाउट है? कुछ डाउट्स बताइए, कुछ डाउट्स हैं तो हम क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। और रिवीजन कीजिए आप, ठीक है। कुछ डाउट आते हैं तो हम जरूर नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स के साथ, वी विल बिगिन विद द डाउट्स एंड देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट न्यू चैप्टर। इज इट ओके एवरीबॉडी? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। प्लीज कीप रिवाइजिंग, एंड अगर कुछ डाउट्स होंगे तो हम क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।